क्या आपका चेहरा अभी नकासियों से भरा हुआ है? कहीं डार्क सर्कल्स हैं तो कहीं पे स्पॉट्स हैं, तो कहीं पे एज से पहले आपको रिंकल्स दिख रहे हैं, तो कहीं झुर्रियां हैं, ब्ला 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 ब्ला। ये सारी बातें ना मैं सुन सुन के थक चुकी हूँ कि मुझे पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, ये है वो है। बट जो फेस पैक आज मैं दो स्टेप में बताने वाली हूं ना, बिलीव मी, अगर आप इसे प्रॉपर समझते हैं, सुनते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये सारी प्रॉब्लम यू बूम होने वाली है, ये बिल्कुल गोन होने वाली है अगर आप इसे सही तरीके से यूज करती हैं तो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इसे बताते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको भी अपने स्किन को काफी ज्यादा हाइड्रेट करना है, सॉफ्ट करना है, अपने एज से कम दिखना है, तो इसे जरूर प्रिपेयर करें और बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हर स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे स्किप करके देखती हैं तो इसका रिएक्शन हो सकता है आपके स्किन पे। सो आपने प्रॉपर वीडियो को देखना है, समझना है और उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए चलते हैं, इसे प्रिपेयर करते हैं फॉर योर बेटर रिजल्ट फॉर योर सेल्फ। हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है लवली और मेरे चैनल का नाम है लवली इनकी दुनिया, जहां पे मैं बहुत सिंपल और बहुत सारी जीरो इन्वेस्टमेंट में काफी सारी रेमेडी ऑलरेडी शेयर कर रखी हूँ। तो मुझे काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि मुझे पिगमेंटेशन पे कुछ बताइए, मुझे ड्राई स्किन के लिए कुछ बताइए, मुझे हैंड के लिए कुछ बताइए। तो मैंने ऑलरेडी वहां मेंशन कर रखा है, मेरे चैनल पे आप जा करके सारी वीडियोज देख सकते हैं। मैंने हर स्किन के लिए, हर स्किन इशू के लिए एक से दो रेमेडी जरूर बना रखी है। सो आप वहां जाके चेकआउट जरूर कर ले। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं शेयर करूं वो आप मिस ना कर पाए। सो चलिए चलते हैं, इसे देखते हैं कैसे प्रिपेयर करना है। सो आज मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ वो जैपनीज सीक्रेट है, जो अपने स्किन को टाइटन, ब्राइटन और ब्यूटीफुल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके लिए हमें चाहिए एक पोटैटो। यहाँ पे मैं वन फेस के लिए बना रही हूँ अपने एक फेस में एप्लीकेशन करने के लिए, इसलिए मुझे हाफ पोटैटो चाहिए। अगर आपके पास स्मॉल साइज का पोटैटो है तो आप उसे पूरा एक ले सकते हैं। इसे आप छिले इसके पील ऑफ कर दें और इसके बाद एक क्रशर की हेल्प से इसे पूरी तरीके से क्रश कर दे। हमें इसका बिल्कुल रस चाहिए, जूस चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपने इसे पूरे अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। पोटैटो हमारे एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम को मिनिमाइज करता है, साथ ही ये नेचुरल मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भर भर के पाई जाती है। अगर आपका डार्क सर्कल है तो इसे आप इसके जूस को अगर आप अपने आईज़ में पर डे लगाते हैं आईज़ के नीचे, तो आपकी स्किन की वो जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो मैंने यहाँ पर इसे क्रश कर लिया है और क्रश करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से आपको कुछ चीज़ छूट सकता है, कोई स्टेप छूट सकता है। तो आपने इसे इसके बाद एक साफ़ बाउल ले लेना है, बाउल में आपको रस निकालना है, इसका प्रॉपर जूस हमें गारना है। तो यहाँ पे आप चछन्नी की हेल्प से भी कर सकती हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो मैं अपनी हैंड की हेल्प से इसे बिल्कुल इस तरीके से गार ले रही हूँ। इसे आप आहिस्ता आहिस्ता पूरा जूस निकाल लें, और जूस निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, वो भी हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपने अपने हैंड की हेल्प से इसे पूरा इसका रस निकाल लेना है। इसके जूस में इतनी ज़्यादा पावर होती है ना कि हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन करता है। सो जो वेस्ट हमारा बच गया है, जिससे हमने पूरा जूस निकाल लिया, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बिल्कुल सूखा हुआ है। तो हमें इससे करना है अपनी स्किन को पूरा क्लीनिंग। यस फ्रेंड, इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रॉपर्टी अभी भी हैं जो हमारे स्किन पे जाते ही हमारे स्किन को क्लीन कर सकते हैं, डेड सेल्स को रिमूव कर ले सकते हैं। अगर आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है ना, तो आपको पोटैटो जूस बिल्कुल पर डे लगाना ही चाहिए। सो इसमें मैं ऐड करी हूँ थोड़ी सी हनी। आप एक चम्मच जैसी हनी ले लें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आपको पता ही है हनी में इतने सारे आयरन होते हैं जो हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज करते हैं, सॉफ्टर बनाते हैं और क्लीन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इसे आपको करना है अपने स्किन पे रब, बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। आपको हर स्किन के हर पार्ट पे, हर अपने फेस के हर पार्ट में इसे स्क्रब करना है। ये क्लींजिंग का बहुत अच्छा सोर्स है। ये थोड़ा मेसी हो सकता है, बट आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ब्राइटन करने में काफ़ी ज़्यादा ये हो सकता है। आपने इसे पूरे अपने स्किन पर रब करना है। ये इतना ईजी नहीं है कि आप लगाएं और ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाएगा आपकी स्किन में। आपको थोड़ा फोर्स लगाना होगा और इसे रब करना होगा। फोर्स का मतलब ये नहीं आप अपने स्किन को लिटरली वो एकदम फोर्सफुली करें, आपको हल्का हल्का मसाज करना है, जैसे आप अपने स्क्रब टाइम करते हैं।
या स्किन को क्लीन करने के टाइम करते हैं। तो आपने इसी तरीके से अपने पूरे पार्ट में जहाँ जहाँ पर भी आपके, हम बहुत जगह रैंडम ले लेते हैं, नोज के साइड में या फिर चिन में, तो आपको हर जगह पे इसका जूस लगाना है और क्लीन करना है। ये हमारे हैंड के लिए भी है, हमारे बॉडी के लिए भी है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कमेंट कर रखा है कि मुझे हैंड के लिए पर्सनली कुछ बताइए मेरे, तो मैंने जितने भी DIY पैक बता रखे हैं वो सारे हैंड्स के लिए भी होते हैं, बॉडी के लिए भी होते हैं, पर मैं सिर्फ फेस पे आपको करके दिखाती हूँ। सो यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसे रब करना है और उसके बाद अपने स्किन को बिल्कुल वॉश कर लेना है। आप नॉर्मल वाटर से वॉश आउट कर सकती हैं या फिर वेट टॉवल से आप अपने स्किन को पोंछ सकती हैं। इसे हमें 2 से 3 मिनट लगभग करना ही करना है। इसे जैसे ही आप वॉश आउट करिएगा, आप देखिएगा आपकी स्किन में वो मॉइस्चराइज़र, जैसे लगेगा कि आप मॉइस्चराइज़र बिल्कुल लगा के आई हैं और वो शाइन आ जाती है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक बनाना, जिसके लिए हमने ऑलरेडी जो जूस निकाल रखा था, तो उसके जूस के वाटर को हम अलग कर देंगे और नीचे के जो स्टार्च बचते हैं उसे हम अलग कर देंगे। तो आपको एक क्लीन बॉल में इस वाटर को साइड कर लेना है, इसका भी हमें काम आएगा। तो यहाँ पे नीचे जो स्टार्च बचे हुए हैं इसे हमें यूज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिलीव मी, जो जितना फ़ायदा है ना ये सारे चीज़ इसी में है। अगर आप इस को अपने अंडर आइज़ पे लगाते हैं तो डार्क सर्कल तो जैसे चला ही जाएगा। एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, इसका एप्लीकेशन करिए, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भर कर चावल का आटा। जहाँ पे कोरियन स्किन, जापानीज स्किन की बात आती है, वहाँ पे चावल राइस का आना बिल्कुल ज़रूरी है। राइस में इतने सारे प्रोटीन होते हैं ना, जो हमारे स्किन को काफ़ी बेटर ऑफ करते हैं। ये नहीं मिलेगा तो आपने लेना है पोटैटो जूस, जो मैंने ऑलरेडी अलग करा के रखा हुआ है, उसे थोड़ा मिक्स करना है। और साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा हनी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़र और मिल सके, क्योंकि यहाँ पे राइस यानी चावल का आटा यूज़ हुआ है। आप चावल का आटा घर पर भी बना सकती हैं। चावल को बिल्कुल वॉश कर लें और वॉश करने के बाद धूप में सुखा के उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक बॉक्स में स्टोर करके बिल्कुल रखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर मिक्स हो गया है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये बिल्कुल ये नहीं है कि ऑयली स्किन नहीं लगा सकते हैं, ड्राई स्किन नहीं लगा सकते, ये ऑल स्किन टाइप के लिए क्राफ्टेड किया गया है। तो आपने इसके बाद आपने अपनी स्किन को ऑलरेडी क्लीन कर रखा है, सो अब बारी है इसे पैक को अप्लाई करने का। तो आपने इसे कैसे एप्लीकेशन करना है वो ज़रूरी आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करते समय अपनी स्किन को हल्का हल्का मसाज करना है, ताकि जो हमारे पोर ओपन हैं अभी, क्योंकि हमने क्लींजिंग ऑलरेडी कर रखा है, तो हमारा जो पैक है वो अंदर चला जाए। तो आपने इसे हल्के हल्के हाथ से मसाज करते रहना है और हर पार्ट में इसका एप्लीकेशन करना है। बिलीव मी, ये दोनों स्टेप ना आपकी स्किन को काफ़ी बेटर ऑफ कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट काफ़ी पावरफुल हैं और पोटैटो का जूस तो बस मत ही पूछिए। अगर आप इसका सिंगल एप्लीकेशन भी करती हैं ना, तो आप अपनी पूरे उम्र से 10 साल कम दिखने वाली हैं। ये आपके एज को बिल्कुल हाइड कर देता है। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन कर लिया है और एप्लीकेशन करने के बाद मैं यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए इसे बिल्कुल छोड़ दूँगी और उसके बाद आपको बिल्कुल वॉश आउट करके दिखाऊँगी कि इसका क्या लुक आया, क्या मतलब एक दिन में इसका क्या रिज़ल्ट आया है। तो आपने इसे हफ्ते में 3 दिन करना है। आपको ये पैक नाइट में करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मेरी स्किन काफ़ी बेटर ऑफ हो गई है। आई होप यू गाइस कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो देर किस बात की है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मैं इतना सारा पार्लर का आपका पैसा जो बचा रही हूँ। सो आई होप यू गाइस कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे इसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे इसका एप्लीकेशन अपने स्किन पे करना है। सो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको स्किन बहुत जल्दी 1 वीक में, मैं तो इतना भी कहती हूँ कि 1 हफ्ते में आपकी स्किन काफी बेटर ऑफ होने वाली है। आपके स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाले हैं। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई वाह मजा आ गया, मुझे पता है ये सारे जितने भी लोग ये इस्तेमाल करने वाले हैं ना वो यही कमेंट करने वाले हैं। सो क्यों आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, फॉर क्रिसमस? नो नो। सो आपने ये क्रिसमस से पहले करना है और न्यू ईयर से पहले अपनी स्किन को एक्सप्लोर करना है विदाउट फिल्टर और विदाउट एनी मेकअप। बिलीव मी, आप अपने स्किन को बिल्कुल एक्सप्लोर कर रहे होंगे, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं होगी, आपकी स्किन में इतनी ज्यादा रेडियंट होगी। सो आपने इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपना ख्याल रखें, जैसा हमेशा कहती हूँ मैं, अपने स्किन का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर योरसेल्फ।